कौसानी उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित है। इसका कुछ भाग अल्मोड़ा और कुछ भाग बागेश्वर जिले में आता है। समुद्र तल से लगभग 6200 फीट और मीटर में अगर हम कहें तो 1890 मीटर की ऊंचाई पर बसा कौसानी एक विश्व प्रसिद्ध खूबसूरत पर्वतीय पर्यटक स्थलों में से एक है। आज हम लाए हैं यहीं से आपके लिए ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। अगर आपका यहाँ फ्यूचर में घूमने आने का प्रोग्राम है तो इस वीडियो से आपको ज़रूरी जानकारियाँ मिलेंगी, और आप यहाँ पहले कभी आए हैं तो यह वीडियो आपकी पुरानी यादें ताज़ा कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक आपका फिर से स्वागत करता हूँ पॉपकॉर्न ट्रिप यूट्यूब चैनल में। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। आज का ये सफ़र है कौसानी से बैजनाथ तक का। इस यात्रा का डेस्टिनेशन बैजनाथ, यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। गरुड़ की डिस्टेंस कौसानी से लगभग 15 किलोमीटर है। कौसानी के मुख्य आकर्षण हैं यहाँ से दिखने वाले बर्फ से ढके हिमालय श्रृंखला की प्रमुख चोटियाँ, जैसे चौखंबा, नीलकंठ, नंदा घुंटी, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदा कोट, पंचाचुली आदि की लंबी रेंज। सूर्योदय का मन लुभावन नज़ारा, शांत और स्वच्छ वातावरण, घने जंगल, चाय बागान इत्यादि। पर्यटक स्थल कौसानी के बारे में यह कहा जाता है कि इस स्थान पर महाभारत काल में कौशिक मुनि ने कठोर तप किया था, इसलिए इस स्थान का नाम कौसानी रखा गया। आइए अब जानते हैं कौसानी कैसे पहुँचें। देश के अलग अलग हिस्सों से हवाई, रेल और सड़क मार्ग द्वारा कौसानी आसानी से पहुंचा जा सकता है। यहां का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में है, जिसकी दूरी कौसानी से लगभग 173 किलोमीटर है। वैसे तो एक एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में भी है, पर एज ऑफ नाउ यहां से नियमित उड़ानें नहीं हैं। इसके अलावा यह भारत के अन्य शहरों से भी अच्छे से जुड़ा हुआ है। एक हेलीपैड निकटवर्ती स्थान बैजनाथ में तैयार है, लेकिन उसमें अभी निजी अथवा सरकारी दौरे ही होते हैं। कौसानी का निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जिसकी दूरी यहाँ से 140 किलोमीटर है, और काठगोदाम देश के प्रमुख शहरों से रेल मार्ग द्वारा सीधे जुड़ा हुआ है। इसके अलावा टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन भी प्रस्तावित है। स्थानीय निवासियों को विश्वास है कि जल्द ही भविष्य में बागेश्वर में रेल लाने की परिकल्पना साकार होगी। आप यहां पहुंचने के लिए बस, टैक्सी आदि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको दूरी का चार्ट दिख रहा है। दिल्ली से कौसानी की दूरी लगभग 410 किलोमीटर है। ISBT आनंद विहार बस अड्डे से भी कौसानी के लिए उत्तराखंड रोडवेज की बसें चलती हैं। जब आप काठगोदाम से पहाड़ की ओर सफर तय करना शुरू करते हैं तो रास्ते के प्राकृतिक सौंदर्य से लिपटे पहाड़, कलकल की आवाज करती नदियां, कुछ दूरी तय करने पर बदलते लैंडस्केप्स इत्यादि का नजारा देख आपकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप कौसानी पहुंच गए। यहाँ करीब 70 से 100 के बीच छोटे बड़े होटल हैं। सभी श्रेणी और हर बजट और रेंज के होटल यहाँ मिल जाते हैं। कौसानी के होटल्स, रिजॉर्ट इत्यादि की जानकारी के लिए आप स्क्रीन में दिख रही वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ एक छोटा सा बाजार है जहाँ पर कई खाने पीने के रेस्टोरेंट और रोजमर्रा के जरूरत की सामानों की दुकानें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े विनम्र हैं। यह जगह शहरी आपाधापी के विपरीत शांत और अपनी मूल अवस्था में ही है। कुल मिलाकर शांत वातावरण में अच्छा समय बिताने के लिए कौसानी बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। अब जानते हैं यहाँ आने का अच्छा समय कौन सा रहता है। यूँ तो साल में कभी भी गर्मी, जाड़े, बरसात आदि में आप कौसानी विजिट कर सकते हैं। हर मौसम में आपको यहाँ प्रकृति के अलग अलग सेट्स देखने को मिलेंगे। गर्मी के समय यहाँ मौसम काफी खुशगवार रहता है। कौसानी से बर्फ से ढके हिमालयों के शानदार नजारों का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। दिसंबर से फरवरी के मध्य तक कौसानी में खूब बर्फ गिरती है और बरसात का मौसम झरने, हरियाली, बर्ड वॉचिंग इत्यादि का आनंद उठाने के लिए एकदम उपयुक्त मौसम है। स्क्रीन में दिख रहा भवन अनाशक्ति आश्रम है। 1929 में जब गांधी जी भारत के दौरे पर निकले थे, तब अपनी थकान मिटाने के उद्देश्य से 2 दिनों के लिए कौसानी भी आए थे। कौसानी घाटी ने उनका मन मोह लिया था। गांधी जी यहां पर 14 दिन रहे और गीता पर आधारित पुस्तक अनाशक्ति योग पर टीका उन्होंने यहीं लिखी थी। अनाशक्ति का अर्थ होता है ऐसा योग जिससे आप संसार से अलग होकर पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होते हैं। इस आश्रम में एक अध्ययन कक्ष, पुस्तकालय और एक प्रार्थना कक्ष है जहां हर सुबह और शाम प्रार्थना की जाती है। गांधी जी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था।
खूबसूरत पहाड़ियों और पर्वतों के अलावा कौसानी आश्रमों, मंदिरों और चाय के बागानों के लिए भी जाना जाता है। कौसानी के आसपास के क्षेत्र में चाय बागानों की हरियाली ऐसा आनंद देती है मानो ईश्वर ने भूमि पर हरा कालीन बिछा दिया हो। आप चाय बागानों में घूमने के साथ साथ फैक्ट्रियों में चाय को तैयार होते हुए भी देख सकते हैं। यहाँ की चाय बहुत ही खुशबूदार और स्वादिष्ट होती है और जिसकी विदेशों में काफ़ी मांग है। उत्तरांचल की मशहूर गिरियास टी का उत्पादन यहीं होता है और इस खुशबूदार चाय को संयुक्त राष्ट्र, जर्मनी, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। यहाँ बागानों में घूमकर और चाय फैक्ट्री में जाकर चाय उत्पादन के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यहाँ आने वाले सैलानी यहाँ से चाय खरीदना नहीं भूलते। इसके अलावा कौसानी में औषधियाँ, चौलाई, लाल चावल, शरबत, जैम और शहद भी मशहूर है। यदि आप कुमाऊनी व्यंजन का स्वाद अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मुख्य चौराहे के पास बनी दुकानों से मडवे का आटा और गहत की दाल अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा हाथ से बनी गर्म टोपियां और शॉल, कंबल आदि कौसानी भ्रमण के यादगार स्वरूप आप अपने साथ ले जा सकते हैं। यहाँ पर हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की स्मृतियों को सजोता राजकीय संग्रहालय भी है। सुमित्रानंदन जी का जन्म कौसानी में ही हुआ था। बस स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर उन्हीं को समर्पित पंत संग्रहालय स्थित है। जिस घर में उन्होंने अपना बचपन गुजारा था उसी घर को संग्रहालय में बदल दिया गया है। यहाँ उनके दैनिक जीवन से संबंधित वस्तुएं, कविताओं का संग्रह, पत्र और पुरस्कार आदि को रखा गया है। इसके अलावा यहाँ लक्ष्मी आश्रम है जो सरला आश्रम के नाम से भी प्रसिद्ध है। सरला बेन ने 1948 में इस आश्रम की स्थापना की थी। सरला बेन का असली नाम कैथरीन हिलमेन था। बाद में वे गांधी जी की अनुयायी बन गई थी। इसके अलावा निकटवर्ती आकर्षण कोट भ्रामरी मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और सोमेश्वर घाटी 12 किलोमीटर की दूरी पर, रुद्रधारी मंदिर, केव व वाटरफॉल कौसानी से 12 किलोमीटर दूर कौसानी अल्मोड़ा मार्ग पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान शिव जिन्हें रुद्र नाम से भी जाना जाता है और भगवान विष्णु जिन्हें हरि नाम से जाना जाता है से संबद्ध है। ये पिनाथ मंदिर, इसको पिनाकेश्वर भी बोला जाता है, यहाँ से हिमालय के साथ वैली का नज़ारा काफ़ी मनमोहक दिखता है। कौसानी से 5 किलोमीटर की दूरी पर मठ कांटली नाम का स्थान है। यहाँ से 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर पिनाथ पहाड़ी है। इसी पहाड़ी पर पिनाकेश्वर मंदिर है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्थित हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सन 1454 में चंद राजा के वंशज बाज बहादुर चंद ने कराया था, जिस पर उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने 27 गांवों का लगान माफ कर उन्हें मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। यहां से हिमालय की 360 किलोमीटर की खूबसूरत रेंज दिखाई देती है। डिस्ट्रिक्ट हेडवाटर बागेश्वर यहां से 38 किलोमीटर दूर स्थित सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा एक धार्मिक शहर है जो हर वर्ष बड़ी संख्या में सैलानियों को आकर्षित करता है। उत्तरायणी मेले का आयोजन यहाँ हर साल किया जाता है। अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि रास्ते में विजिबिलिटी तो अच्छी है पर सामने ढलान से आ रहे वाहन को पास देने के लिए आप कुछ दूर ही सुरक्षित और चौड़ी जगह पर रुक जाएं। कौसानी से निकलने के बाद आगे का रास्ता अत्यंत प्राकृतिक सुंदरता से भरा पड़ा है। रास्ते में चाय बागान भी नज़र आते हैं जो पहाड़ की ढलान पर हरितिमा लिए बड़े ही सुंदर और व्यवस्थित लगते हैं। इससे आगे बढ़ टी फैक्ट्री और सॉल फैक्ट्री भी आती है जहाँ से इस स्थान के यादगार स्वरूप उत्तम किस्म की चाय और सॉल खरीद सकते हैं। कौसानी आकर आप विभिन्न एक्टिविटीज़ में आप खुद को इन्वॉल्व रख सकते हैं जैसे ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग इत्यादि। सुंदर ढूंगा ट्रैक, पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक और मिलम ग्लेशियर ट्रैक का शुमार भारत के सबसे अच्छे ट्रैकिंग रूट में होता है। कौसानी इन्हीं ट्रैकिंग रूट्स के रास्ते में पड़ता है। इसके अलावा रीडिंग, राइटिंग, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, विलेज स्टे के लिए ये जगह एकदम उपयुक्त है। अभी हम गरुड़ बाज़ार से होकर गुजर रहे हैं। आसपास के लगभग 10-12 किलोमीटर एरिया में सबसे बड़ा बाज़ार यही है।
यहाँ पर तकरीबन सभी ब्रांड्स और किस्म का सामान जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग हार्डवेयर, कपड़े, मोबाइल फ़ोन, एक्सेसरीज, राशन आदि की कई दुकानें हैं। इसके अलावा कुमाऊं और गढ़वाल के कई इलाकों जैसे पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी, कर्णप्रयाग, चमोली आदि में जाने के लिए टैक्सीज भी यहाँ से मिल जाती हैं। बारहवीं सदी में निर्मित यह बैजनाथ मंदिर अति प्राचीन होने के साथ साथ ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। इस जगह की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1130 मीटर है। बैजनाथ को पहले कार्तिकेयपुर नाम से जाना जाता था, जो 12वीं और 13वीं शताब्दी में कत्यूरी वंश के राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अभी हाल ही में शासन ने पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से एक झील का भी निर्माण कराया है, जिससे यहाँ की सुंदरता और अधिक बढ़ गई है। आप लुत्फ उठाइए स्क्रीन में दिख रहे नज़ारों का। आज का सफ़र यहीं तक, जल्द ही एक और सफ़र में आपसे मुलाकात होगी। आपके सुझावों व टिप्पणियों का स्वागत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें। वीडियो से संबंधित कोई भी आपके सवाल हों तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं यथासंभव उनका जवाब देने का प्रयास करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।